नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अवश्य निवेदन रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह चाहे कि उसकी संतान अच्छी ना हो या उसकी संतान योग्य ना हो। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहे कि उसकी संतान संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में यश और कीर्ति की फतह का फैलाए। यहां तक कि राक्षस, यक्ष, किन्नर भी यही चाहते हैं। रामचरितमानस में शूर्पणखा का जो प्रसंग आता है राम से विवाह करने का, उसके पीछे उसकी मंशा यही थी। हर नारी यही चाहती है, प्रत्येक पुरुष यही चाहता है कि उसकी आने वाली संतान उससे 10 कदम आगे रहे, यश कीर्ति पता का फैलाए, सच्चाई की राह पर चले, बुराइयों से दूर रहे। लेकिन कभी हमने सोचा है ऐसा कर सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमको जागृत होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, अपनी चेतना को प्रस्फुटित करने की जरूरत है। अभिमन्यु की कहानी तो आपने सुनी है ना। गर्भ में ही अभिमन्यु ने जो द्वार तोड़ने थे सीख लिए थे। आपने अष्टावक्र के बारे में तो सुना ही है ना, अष्टावक्र गीता भी है, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है और अध्यात्म ने करके दिखाया है कि हम अपनी संतान को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से अच्छी अच्छी वस्तुएं बना देता है, और यह कार्य जब बच्चा गर्भ में आता है, यानी फ्रॉम द वेरी डे ऑफ कंसेप्शन यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और अगर इसके पहले भी हम चर्चा करें तो जब पति और पत्नी यह इच्छा धारित कर लेते हैं कि हमें संतानोत्पत्ति करनी है, जैसा कि अपने भारत में एक संस्कार है विवाह, और उसके पीछे एक जो आध्यात्मिक धार्मिक कथन होता है उसकी पूर्ति के लिए भी आवश्यक होता है, तो जब ऐसे भाव से हम अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, जो इस तरह से शुक्राणुओं को प्रभावित करते हैं, और जो गर्भ में आने वाला बच्चा है वह कैसा होगा यह मां निर्धारित करती है। माएं गर्भवती होती हैं तो ज्यादातर डॉक्टर्स भी यही सलाह उनको देते हैं आज के युग में कि आप अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छे अच्छे विचार रखिए, अच्छे कथानक सुनिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वह सीधे बाह्य जितनी भी चीजें हैं, बाह्य दुनिया जितनी भी है, टेस्ट जितने भी हैं, मां के माध्यम से वह स्वीकार करता है और उसके अनुसार उसकी बुद्धि विवेक विकसित होते हैं। जब गर्भावस्था में मां स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन का शिकार होती है, तो आप अक्सर देखेंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल कम होगा। बच्चा जब जन्म लेगा तो कालांतर में उसमें भी इस तरह से लक्षण देखने को मिलेंगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो माएं हैं यदि वो चाहें तो आज भी अभिमन्यु हमारे इस संसार में हो सकते हैं, हमारे इस विश्व में अष्टावक्र जैसे लोग हो सकते हैं बुद्धि और विवेक की दृष्टि से। हाँ, लेकिन चलते चलते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।